झारखंड के खूंटी जिले से खौफजदा करने वाली खबर है। यहाँ मेला घूमने गई 6 लड़कियों में से 2 के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बुधवार शाम की है। सभी 6 लड़कियाँ मकर संक्रांति पर रंगरोड़ी मेला देखकर वापस अपने घर फूदी गांव लौट रही थी। कुछ लड़कों ने लड़कियों को अकेला देख पकड़ लिया। इसी बीच 2 लड़कियाँ वहाँ से भागने में सफल रही। लड़कियों की उम्र 12 से 15 साल के बीच की है और सभी 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ती हैं। पीड़िताओं ने बताया कि वह सभी मेला देखकर लौट रही थी। कितने लड़के आपके साथ गलत किए? फिर कुछ तरह का धमकी उमकी भी दिया? हाँ, बोल रहा था कि स्कूल जाएगी ना, मत बताना किसी को, नहीं तो स्कूल जाएगी ना, उस टाइम तुमको अकेले ना जाती है तो रास्ता से उठा लेंगे। फिर घर कैसे पहुँचे? उस रात वहीं रहे आप कि फिर कैसे पहुँचे घर आप? अपने लोग ला दिया था। नहीं, वहाँ का सर एक है ना, वही ला दिया था। सर को कैसे पता चला? सर को कैसे पता चला? मेरी दीदी फोन की थी, यहाँ चोटी समझाती थी ना पहले। तो वो दीदी कहाँ थी, आप लोग के साथ थी या कहाँ थी? नहीं, मेरी बहन सब बताने आई थी ना घर, जो भाग के गई थी। हाँ, बताने आई थी तो ट्यूशन जो पढ़ाता है बोला सर, वो सर को पूछे कि हम लोग तो आप लोग का गाँव का लड़का सब ले गया है, तो सर से फोन किया था वो लड़का, लड़कों के पास हर मतलब गांव में सब लड़का के घर गया था वो लोग, तो जो जो नहीं है घर में नहीं था वो लड़का के पास फोन किया था। अच्छा, आप लोग के 6 लड़कियों में किन के साथ, कितनी लड़कियों के साथ ये जो हुआ कि गलत हरकत हुआ, कितनी लड़कियां थी? 2, 3, 4, कितने के साथ हुआ? 3, 2 के साथ। 2 के साथ गलत हरकत हुआ। पुलिस ने पीड़िताओं से पूछताछ करने के बाद उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया है। 6 बच्चियों के साथ में कुछ गलत होने की जानकारी मिला था, तो हम लोग यहाँ पे आए, पूछताछ के क्रम में पता चला कि कुछ उनके साथ में गलत किया गया है, तो अभी बच्ची लोग को हम लोग फिलहाल मेडिकल के लिए भेज दिए हैं। वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिया गया और इसका मामले में जाँच हो रही है। इसमें जो बात सामने आई है कि एक जो 5 लड़के हैं उनमें से एक लड़का जिनको वैसे तकली का जान पहचान का था, उसके बाद ये लोग उन लोगों को बात करने का प्रयास की, उसके बाद इन लड़कियों को लेकर गए घटनास्थल पर और वहाँ पर इनके साथ छेड़छाड़ हुई है और उसके उसी के बेसिस पर लड़कियों से जो बयान लिया गया उसके बेसिस पर ही अब तक। पुलिस ने बताया कि सभी नाबालिग बच्चियों का बयान दर्ज किया गया है। वे सभी बेहद डरी हुई हैं और उनमें कई लड़कियों के चेहरों पर नोच खरोंच के निशान भी हैं। ये सभी पढ़ने में मेधावी और हॉकी के खिलाड़ी हैं। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश है। लोग ग्राम पंचायत के मुखिया के घर जुटे हुए हैं। घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोग मामले को लेकर पंचायत कर रहे हैं। देखिए, ग्रामीणों के द्वारा हमको सुबह खबर मिली कि बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो हम बोले कि हमारे पास आओ, पूरा जानकारी हमको दो, तभी हम जानेंगे। तब पूरा ग्रामीण अपने बच्चे को लेके आए, बच्चों से पूछे, जैसे बच्चियों ने बताई है गलत तो हुआ है, लेकिन एक जेंट्स होने के नाते डिटेल हम पूछ नहीं पाए, तो मेडिकल जाँच के बाद ही ये पूरा खुलासा होगा और अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। खूंटी पुलिस सामूहिक दुष्कर्म के इस शर्मनाक घटना की जांच में जुटी हुई है।